कई बार लोगों ने मुझसे पूछा कि आज़ाद हैं आज़ाद रहेंगे श्रृंखला शुरू करने के पीछे मेरा मकसद क्या था, तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि इस श्रृंखला को शुरू करने के पीछे का मेरा मकसद वही है कि भारतीय आज़ादी आंदोलन के दौरान कई ऐसी कहानियाँ हैं, कई ऐसी वीर गाथाएँ हैं जो अंधकार में गुम हो गई, तो उन गाथाओं को संकलित करना मेरा नैतिक कर्तव्य है। यह कार्य केवल इतिहासकारों का नहीं है, यह कार्य केवल उन लोगों का नहीं है जो क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, यह भारत देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि इन कहानियों को संकलित करे, इन गाथाओं को सुने, अन्यथा आने वाले समय में हम इन गाथाओं को भूल जाएंगे, इन वीर कहानियों को हम भूल जाएंगे और उन क्रांतिकारियों के विषय में नहीं जान पाएंगे जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना जीवन ही न्योछावर कर दिया। भारत की आज़ादी के बाद जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को लिखा गया तो इस स्वतंत्रता संग्राम में कई महिला क्रांतिकारियों के योगदान को भुला दिया गया। चूंकि यह पुरुष प्रधान दुनिया है इसलिए भारतीय आजादी आंदोलन में भी आपको उनका महत्व ही ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं था कि महिला क्रांतिकारियों ने इस देश को आजाद कराने में अपना योगदान नहीं दिया, लेकिन इस रूढ़िवादी समाज में उनके योगदान को कमतर आका गया। इस संग्राम में कई महिला क्रांतिकारियों की अदम्य साहस की गाथा अज्ञात और अनसुनी रह गई। आजाद है आजाद रहेंगे की इस कड़ी में बात राजकुमारी गुप्ता की। आप इंटरनेट या सोशल मीडिया पे टाइप करिएगा राजकुमारी गुप्ता, आप टाइप करेंगे तो आपको वहां पर कोई विशेष लेख प्राप्त नहीं होगा। इनके चित्र की बात करते हैं, पूरे भारतीय इतिहास में इनका चित्र कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। आप राजकुमारी गुप्ता डालेंगे कोई भी चित्र आपके लिए उपलब्ध नहीं होगा। इतिहास की किसी मानक पाठ्य पुस्तक की अगर हम बात करें तो वहां पर भी इनका वर्णन आपको मिलेगा ही नहीं। हमें धन्यवाद देना चाहिए सागरी छाबरा और सुरुचि थापर को जिन्होंने अपनी किताब में राजकुमारी गुप्ता का उल्लेख किया, अन्यथा उनके विषय में जान पाना हमारे लिए संभव नहीं था। राजकुमारी गुप्ता का जन्म 1902 को कानपुर जिले में हुआ था। इनके पिता किराना व्यवसायी थे। 13 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह कांग्रेस सदस्य मदन मोहन गुप्ता से हो गया। महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव इन दोनों पर बहुत ज्यादा था। महात्मा गांधी के कहने पर ही राजकुमारी गुप्ता और मदन मोहन गुप्ता स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। महात्मा गांधी ने जब 1920 में असहयोग आंदोलन की घोषणा करी उस दौरान राजकुमारी गुप्ता, मदन मोहन गुप्ता, उसके अलावा कई अन्य भारतीय इस आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन चौरी चौरा में हुई एक घटना जिसमें लोगों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी, उसके बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को अचानक से वापस ले लेते हैं, जिसकी वजह से युवा वर्ग बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हुआ था। उसी में राजकुमारी गुप्ता का भी नाम शामिल था। वह भी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को अचानक से वापस लेने से बड़ी क्षुब्ध हुई। उसके बाद उनका संपर्क भारत के क्रांतिकारियों से हुआ, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, इन लोगों के साथ इनके संबंध बहुत मधुर थे, क्योंकि इन लोगों का मानना था अंग्रेजी हुकूमत को अगर भारत से बाहर निकालना है तो सशस्त्र संघर्ष ही एकमात्र उपाय है। इन्होंने अपने पति और ससुराल वालों को ना पता चलते हुए सचिन नाथ सान्याल द्वारा बनाई गई HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया और वहां पर इनका मुख्य कार्य था उनके पास अंग्रेजों की जानकारी पहुंचाना। बात है 1925 की, जब रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी काकोरी में ट्रेन लूटने की योजना बनाते हैं। इस योजना का एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों का सोना जो इस ट्रेन से जा रहा है उसको लूटना, क्योंकि इस लूटे हुए धन से उन्हें अपने हथियारों को मजबूत करना था जो भारत की जंगे आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान होता। यहाँ पर राजकुमारी गुप्ता को ही मुख्य कार्य दिया गया था, लेकिन हम सब इसके विषय में नहीं जानते हैं, क्योंकि काकोरी कांड के विषय में केवल यही बताया गया है कि यह ट्रेन लूटने की एकमात्र घटना थी। राजकुमारी गुप्ता का रोल इसमें सबसे ज्यादा अहम था। उनका मुख्य कार्य था भारत के क्रांतिकारियों तक हथियार पहुंचाना, और यह हथियार पहुंचाना आसान कार्य नहीं था,
राजकुमारी गुप्ता हथियारों को अपने अंतःवस्त्र में छुपा लेती हैं और चुपके से जाकर क्रांतिकारियों को दे देती हैं, जिसके बाद रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ये सब मिलकर काकोरी घटना को अंजाम देते हैं। काकोरी कांड की घटना अंग्रेजों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा थी। इस घटना के बाद अंग्रेजी हुकूमत अपनी पूरी सेना क्रांतिकारियों को पकड़ने में लगा देती है। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल को फांसी की सजा दी जाती है, जबकि सचिन नाथ सान्याल को काला पानी की सजा सुना दी जाती है। इसी दौरान राजकुमारी गुप्ता भी पकड़ी जाती हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों के चंगुल में आने वाले नहीं थे। वो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन अंग्रेज उनको पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन जब राजकुमारी गुप्ता काकोरी कांड के कारण पकड़ी जाती हैं, उसके बाद उनका परिवार और उनके पति उनको छोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनको अपने करने का कुछ भी पछतावा नहीं है। वो गर्व के साथ कहती हैं कि मैं भारत माँ की पुत्री हूँ और भारत माँ को आज़ाद कराना ही एकमात्र लक्ष्य है, और इसके लिए वो हमेशा गौरवान्वित रहीं। भारत आज़ाद हुआ, भारत के आज़ादी आंदोलन पर कई कहानियाँ लिखी गईं, लेकिन उन कहानियों में राजकुमारी गुप्ता जैसे क्रांतिकारियों का कहीं कोई नाम नहीं था। लेकिन भारत माता अपने पुत्रियों को कभी नहीं भूलती। ये भारत देश हमेशा राजकुमारी गुप्ता और उनके जैसे कई सारे क्रांतिकारियों का आभारी रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।